गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज की टॉपिक लेके हम आए हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस फॉर एग्जांपल, जैसे क्या कहा गया है, ए कंपनी में इफ इट्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिटेड एक्सेप्ट द अमाउंट अगेंस्ट द कॉल और कॉल इन कॉल नॉट एट मेड द अमाउंट सो रिसीव इज एंड इन एडवांस known as call in advance। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी आर्टिकल एसोसिएशन के बेसिस परमिटेड है कि अगर कोई किसी ने भी एडवांस जो कॉल अभी तक कंपनी मांगी नहीं है लेकिन अब उसने एडवांस में पे कर दिया तब भी कंडीशन में उसे एक्सेप्ट कर सकती है। इस टाइप के जो चीज़ कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस कहते हैं। एक एग्जाम्पल के हिसाब से लेके चलते हैं। सपोज कीजिए कि कंपनी के पास 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर से एक शेयर की प्राइस कंपनी जो कर रही है वो कितने रुपए से कर रही है, रुपीज टेन एक शेयर की प्राइस है। अब कंपनी रुपीज टेन पे ले रही है जिसमें कंपनी डिवाइड किया हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। यहां मानिए 3-2-3-2 वन शेयर होल्डर ए, वन एक शेयर होल्डर है जिसने एडवांस में पे, इसके पास मान लेते हैं 500 शेयर था, इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो दिया ही दिया है, इसके साथ किसकी अमाउंट यानी कि जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट किसके साथ दे दिया है, अलॉटमेंट के, तो दैट्स इस यहां की जगह पे ये क्या हो गया, कॉल इन एडवांस। सेम इसी तरह अगर दूसरे शेयर होल्डर को लेते हैं, मान लीजिए इनके पास 700 शेयर है, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो दिया, सेकंड कॉल की अमाउंट ये क्या हो गई, कंपनी इसने पेमेंट कर दिया, तो क्या हो गया, कॉल इन एडवांस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने अलॉटमेंट तक ही कॉल किया था, फर्स्ट वाले कंडीशन में ए वाले के लिए क्या हो गया कि कंपनी ने अलॉटमेंट तक तो कॉल किया था लेकिन अभी तक ये फर्स्ट कॉल नहीं की, लेकिन वन शेयर होल्डर ने इसकी अमाउंट यानी किसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट उसने पेमेंट कर दिया, किसको पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के साथ। दूसरा क्या है इस कंडीशन में, क्या है कि यहाँ पे जो थी इसका जो अमाउंट था इसने पेमेंट कर दिया तो क्या हो गया, कॉल इन एडवांस। ओके, अब आते हैं हम लोग देखते हैं डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट में कैसे किया जाता है। द अमाउंट रिसीव दैट इज नॉट एट ड्यू इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। यानी कभी कोई भी ये इस टाइप की जब भी कोई होता है तो ये लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी नहीं होती, क्यों, क्योंकि कंपनी की ऑलरेडी वो एडवांस मिली होती है। It is shown on equity and liability part of the balance under the head current liability। ये किसके हिसाब से, अगर मानिए सपोज कीजिए कंपनी ने पूरे का पूरा कॉल किया तब तो कंडीशन कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने मानो फर्स्ट कॉल तक या सेकेंड कॉल तक, फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया सेकेंड कॉल नहीं किया, तब की कंडीशन में ये बैलेंस शीट में किस हेड में शो होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ठीक है, पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, the head of the current liability। ये किसके अंतर्गत आता है, वो current liability में आती है, and sub head the other current liability। ये किसके किसके head में आता है, sub head कौन सी होती है, sub head होती है other current liability। अब इसकी किस चीज की कंडीशन में अब कंपनियां एंट्री क्या करती हैं, यहाँ पे एंट्री की कंडीशन में आती है कि जब भी कंपनी को जब रिसीव होता है तो उस समय क्या करते हैं, कॉल इन एडवांस, और उसी को जब जिसमें हम लोग उसको यूज किया जाता है तो वहां पे क्या आती है, वहां पे उसको जब भी कॉल इन एडवांस रिसीव हुई तो वहां क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, और जब उसको एडजस्ट करते हैं तो वही हमारी फिर क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। जैसे मान लो कि यही एक लिया, अब मानते हैं अलॉटमेंट ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू है, अगर क्यों हम लोग अलॉटमेंट को लेकर बात करते हैं, नंबर ऑफ शेयर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 20,000 शेयर, ठीक है, 10 रुपीज सीज का था जिसके कंडीशन में था। अब 20,000 शेयर है तो अब इसमें एक शेयर होल्डर है तो कंपनी जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो जनरली क्या करेगी, फर्स्ट अलॉटमेंट जब ड्यू कर रही है तो फर्स्ट एंट्री क्या करेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कंपनी के पास कितना है, 20,000 इंटू टू के साथ कितना आना चाहिए था, यहां पे 40,000 इतनी आनी चाहिए थी। ओके, अब नेक्स्ट नेशन क्या हो गया, बीइंग द अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है, लेकिन अब अलॉटमेंट तो ड्यू की जब रिसीव करी तो कंपनी के यहां पे क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था उसने 3 रुपीज के हिसाब से एडवांस पे कर दिया, तो इसका हम लोग ने क्या किया, 500 × 3 यानी इसका कौन सा अमाउंट, 500 × 3 1500। ओके, अलॉटमेंट में आना कितना चाहिए था, 40,000 यानी कंपनी एट द अलॉटमेंट रिसीव कितना कर दिया, 41,500। बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ कॉल्स इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। ओके, अब जब इसी का कॉल इन एडवांस यहां तक क्रिएट हुआ, लेकिन जब फर्स्ट कॉल में जब हम रिसीव करेंगे तब की कंडीशन में एक फिर क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगा यानी जनरेट क्या हो जाएगा, जब हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगा, 20,000 × 360,000। अब जो रिसीव कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल। ओके, अब इस टाइप से तुम्हारी कॉल इन एडवांस की एंट्रियां होती हैं। अब इंटरेस्ट के बारे में, कॉल इन एडवांस के बारे में क्या कहा गया है, इन द केस ऑफ द कॉल इन एडवांस द कंपनी पे इंटरेस्ट एट द रेट स्टेट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसके हिसाब से जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेस में किया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ द इंटरेस्ट कॉजेस इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड टेबल एफ द कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई फॉर द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% सॉरी एट द रेट ऑफ 12% ऑन कॉल इन एडवांस। जैसे कॉल इन एरियस में होता था एट द रेट ऑफ 10% देती चार्ज करती थी, तो एडवांस की कंडीशन में कंपनी कितना देती है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से किसको पेमेंट करती है, जिन्होंने एडवांस में पेमेंट किया होगा उसको। ये इसमें किसमें है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एब्सेंस में टेबल एफ कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे कंपनी जो इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एडवांस पे करती है वो कितना परसेंट करती है, वो 12% पर एनम। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे कॉलिंग एडवांस के बेसिस पे कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ओके, अगर ये आपको सही लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे आप सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।